Hello everyone, this is Anis and you are watching Marvelous Education. Guys, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जब लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वो सामने आता है. वो प्रॉब्लम है कि अगर मैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो कहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलूँ, कहाँ पर निगेटिव लेकर चलूँ, और साथ ही साथ मैं अगर इमेज उसका सॉल्व करके मैं अगर आंसर ले आया तो आंसर लेने के बाद मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो वैल्यू लाया उस वैल्यू से रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो डिमिनिज है या फिर इनलार्ज है. ऐसे बहुत सारे सवालों का उस वैल्यू से हमें डेटा निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. तो हेलो, दिस इज अनीस एंड यू आर वॉचिंग मार्वेलस एजुकेशन एंड दिस वीडियो इज क्रिएटेड टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मिरर फॉर्मूला. गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसे स्टार्ट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है और ये टॉपिक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में मिलेगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम मिरर फॉर्मूला से, फॉर्मूला की इस प्रॉब्लम को कि कैसे समझ पाएंगे कि हम साइन कैसा लेकर चलें, प्लस में, माइनस में, और या फिर किस चीज में. ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे रूल होता नहीं है, पर क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप जब सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है. इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके मैंने एक समरी बना लिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाल दिया है. बाकी मेन जो रूल होता है हमारा साइन कन्वेंशन का होता है, जो साइन कन्वेंशन ध्यान में रखकर तब फिर हमें सॉल्व करना होता है. मैं साइन कन्वेंशन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को. तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है कि अगर कोई भी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, यानी कि पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर, अगर कनकेव या कन्वेक्स में किसी भी मिरर में अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर रखा हुआ है, साथ ही में उस मिरर का फोकल लेंथ इतना है, तो मुझे अगर बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, ये अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी इक्वल्स वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. इसमें u का मतलब, ये u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कितना दूर पर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. दूसरा होता है v, ये होता है इमेज का डिस्टेंस. तीसरा होता है f, जिसका मतलब होता है फोकल लेंथ. चौथ, साथ ही में ये इन तीनों को कैसे यूज करना है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिस अगर ध्यान में रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम जो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड आता है वो आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा. तो देखते हैं, अपना ही साथ में कभी गलत होगा. देखो, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली बात यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को लेकर चलो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमेशा उसे कैसे u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u ना, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव साइन के लेकर चलो, साथ लेकर चलो. अगर बोल रहे कि ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है उस मिरर से, इसका मतलब -5 मुझे u का वैल्यू लेना है. अगर 25 बोले तो कितना लेकर चलोगे, गुड, -25. अगर बोले 5.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कन्वेक्स मिरर से अगर दूरी रखा हुआ है तो इसमें भी वही लेकर चलना है, नेगेटिव साइन के साथ लेकर, डजंट मैटर कनकेव बोल रहा है या कन्वेक्स. दूसरा, फोकल लेंथ जब भी मुझे लेना है तो उसमें पहले पता करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर मुझे फोकल लेंथ किसका दिया हुआ है. अगर कनकेव मिरर का दिया हुआ तो उसको निगेटिव के साथ लेकर चलो, अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव के साथ लेकर चलो. तीसरी बात, हाइट ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ही पॉजिटिव के साइन के साथ लेकर चलो. कोई बोले कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, उसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, तो उसको कैसे लेकर चलोगे, हाइट ऑफ इमेज एच आई वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेकर चलो, चाहे कैसे भी दिया हो. सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ, इसे एच ओ से जनरली मैं डिनोट किया करता हूँ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, अब जब इन सारे वैल्यूज को लेकर और ये मिरर फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लिए प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है. जब हमारा सॉल्व हो जाए तब अगर वो आंसर हमारा भी का जो वैल्यू है, यानी कि इसमें जब मैं पुट किया यू और एफ, अगर वो वैल्यू भी का पॉजिटिव आया है तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के आगे, यानी कि सॉरी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर. और अगर ये निगेटिव वैल्यू के साथ आया तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा. ओके, अगर निगेटिव साइन के साथ आया तो निगेटिव साइन के साथ आया तो मिरर के आगे, और पॉजिटिव साइन के साथ आया तो मिरर के पीछे, वो किसी भी मिरर में हो या कनकेव में या फिर कन्वेक्स में, दोनों में सेम चीजें काम करेगा.
देख लेते हैं लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। ओके यहाँ पे कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में लिखा है मैंने, ये आपको अलग कीजिए, मैं बताऊंगा जब मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारा ग्रेटर देन हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से, तब वो कैसा है? मैग्निफाइड इमेज बना मुझे। साथ ही में हाइट ऑफ इमेज अगर छोटा हो गया किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि वो डिमिनिश बना, यानी कि छोटा इमेज बना है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल लाइव कि कैसे उसे सॉल्व करोगे, इन सारे चीजों को अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करो ना कि सारे डेटा को रीड करो अच्छे से, और गिवेन जो है वो सबको लिख दो। सबसे पहले ये सबसे बेसिक और अच्छा तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो मैं क्या देखा कि फाइंड द नेचर, यानी कि मुझे नेचर पूछ रहा है कि रियल बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा, और साथ में मुझे पोजीशन पूछ रहा है वो कहां बनेगा, मिरर के आगे या मिरर के पीछे, दो चीजें पूछ रहा है मेरे से। इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट मुझे 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेके चलता है मेरे दोस्त? ऑलवेज चेक यू एज नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं इस 15 सेंटीमीटर को लिख दिया कि u का वैल्यू जो दिया हुआ है -15 दिया हुआ है, क्योंकि उसमें हमेशा माइनस साइन के साथ लेके चलते हैं u को। दूसरा फोकल लेंथ दिया हुआ हमारा है ना, यहां पर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ के केस में मैंने बताया था कि जब भी फोकल लेंथ लेकर चलो तो दोनों में चेक करो कि वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहां साफ-साफ लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में कैसे लेकर चलना है? नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं यहां लेकर चल गया, मैं क्या फोकल लेंथ -10 रख दिया। अब पूरे फॉर्मूले में पुट करो इस वैल्यू को -15 और -10 को, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, या आप कह सकते हैं ना 1/v = 1/f - 1/u, ये वाला प्लस वाले को u को उधर लेकर चले जाओ। अब क्या करो, सारे वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं, f का वैल्यू कितना दिया था -10, वैसे ही u का वैल्यू कितना दिया हुआ था -15, मैं यहाँ लाकर पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद क्या है, मैं इसे सॉल्व करना शुरू किया, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन के साथ कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम कितना आएगा, 30। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 और 2, ओके तो ये आ जाएगा हमारा -1। अब वी का वैल्यू -1/30, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया -1/30 आया, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, -30 के सेंटीमीटर। अब जो आंसर आया उसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, मुझे आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है कि -30 सेंटीमीटर है हमारा वी का वैल्यू। जब -30 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इससे मुझे साफ साफ पता चलता है कि अगर माइनस के साथ हमारा आया वैल्यू किसका, वी का वैल्यू, तब क्या होगा, तब इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तो मैंने पोजीशन क्या लिख दिया, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे बनेगा। क्यों आगे बनेगा, क्योंकि इसमें मुझे वी का वैल्यू माइनस साइन के साथ आया। ओके दूसरी बात, ये नेगेटिव साइन के साथ आया है ना, इसलिए रियल इमेज बनेगा। तो मैं यहां लिख दिया कि नेचर कैसा है इसका, इमेज इज रियल। दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेचर में क्या है हमारा, नेचर में हमारा रियल इमेज है, और साथ ही में हमारा कहां पर पोजीशन है इसका, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस तरीके से आप कर सकते हो किसी भी मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व। सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को आपको रखने हैं ध्यान में, अगर ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में है तो आप मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं काफी अच्छे से। इससे मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने हैं, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।